तो गाइज हम लोग मैसूर पहुंच गए हैं और हमने होटल भी ले लिया है, लेकिन फिर से हमारा एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने अगोडा ऐप से होटल बुक किया था, वो थोड़ा सस्ते में दे रहा था, लेकिन फिर जब हम होटल बुक करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन मेल नहीं आया, लेकिन हमें वो कन्फर्मेशन मेल आ चुका था इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा जो 2000 के अराउंड था। एडवाइस आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोग अगोडा ऐप को अवॉइड करें। विल हैव रेस्ट फूड और शाम में मिलते हैं लाइटिंग के साथ। सो लेट्स चेक दिस पार्ट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी हम मैसूर में हैं जैसा हमने लास्ट ब्लॉग में बताया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं मैसूर पैलेस। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू अवर चैनल रोशनी व्लॉग्स। और मैसूर पैलेस दशहरा के समय बहुत फेमस है, वो भी लाइटिंग की वजह से। सो गाइज लेट्स गो टू द मैसूर पैलेस। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ मैसूर, और ये हमारे होटल के सामने का है। काफी अच्छा लग रहा है, फील के साथ है ना ये सब सारे चीज, मतलब पूरे मैसूर को ना सजाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब अभी हम लोग 4 किलोमीटर दूर है पैलेस से, शायद हम लोग ना जा पाए। देखिए जितने भी मंदिर है, मंदिर सारे जगह पे, मंदिर हो या फिर होटल को, मैक्सिमम जगह को अच्छे तरीके से सब सजाया गया है। तो पहले से लगभग हम लोग 4 किलोमीटर दूर है, पहले से भी बंद हो गया होगा, बट वो फुली वी कैन कैच दोस लाइटिंग शो। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे लगभग 15 मिनट में। हर चौराहे को मतलब एकदम गोल चक्कर जैसा है ना लगाकर किया गया है, तो हर चौराहे को है ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा बेंगलोर में ट्रैफिक है वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई भी बीप 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 स्टार्ट कर देता है कहीं भी, और कोई भी विदाउट एनी हेलमेट सब निकले जा रहे हैं एकदम तेज में जैसे तैसे। तो यार प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैसूर वालों प्लीज बी सेफ। तो अभी सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है और एवरीवन इज कुकिंग, तो सबसे अच्छी बात है कि मैसूर इज गुड, दैट्स व्हाई एवरीवन इज हैविंग दैट फोन इन देयर हैंड। तो जो सेकंड नंबर में वाल्मीकि जी है, बाकी मुझे पता नहीं। सो वो बसेस देखिए, वो डबल डेकर्स, तो शायद अभी जस्ट रिसेंटली कर्नाटका में स्टार्ट हुई है ये डबल डेकर, काफ़ी अच्छा, मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम लोग तो ड्राइव करेंगे देन हम लोगों को रास्ते देखने हैं, ये लोग मस्त अपना नज़ारा देखेंगे, शूट करेंगे, हम लोगों को हर चीज़ खाएंगे पियेंगे, मतलब वो तो हम लोग भी करेंगे, कहीं पर रुकना होगा, लेकिन नज़ारा का जो होता है ये लोग एक्चुअली में इंजॉय करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये पुलिस माइंड कर रही है इस टाइम कि अगर हेलमेट ना हो तो जैसे उनको रोक लेना, हेलमेट के लिए पूछना या फिर कुछ भी है। सभी लोग बिंदास मस्त, हमें लोग लगता है कि ऐसे हैं जो हेलमेट पहन कर फिर वी आर हेयर। लेट्स गो। तो बस चलते रहो, एवरीवन इज हियर टू एंजॉय, आज नो रूल्स। एंड हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पार्क करने के बाद, क्योंकि आगे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो उसी का मद्देनज़र रखते हुए तो हमने पार्क यहीं पे कर दिया है अपना व्हीकल, और आगे बढ़ेंगे और लोकेशन हम लोग यहाँ का शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे हैं, बस लोकेशन ला रहा था, तो वी विल जस्ट थिंक वन लोकेशन फर्स्ट। रोड क्रॉस करते हैं और
तो लोकेशन हमने पिन कर लिया है। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोई नहीं, इफ वी आर फॉरगेटिंग एनीथिंग तो हम लोग ये कोऑपरेटिव बैंक पिन करके फिर वी कैन कम बैक। सो हमारा हम दोनों का जो फीलिंग है सेम है, मतलब जो भी बिहार से लोग हैं वो देख रहे होंगे तो पता है कि हम लोग दशहरा में कितना घूमते हैं, और मतलब रात भर हम लोग घूमते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेने आए, अच्छा लगा, तो वी विल कम बैक एवरी ईयर फॉर श्योर। सो ये सारा एरिया मैसूर पैलेस का है, और वहाँ सामने पर्पल कलर और पिंक है, पिंक दिख रहा है या पर्पल दिख रहा है यार, जो भी हो, यहाँ से दोनों कैमरा में कुछ और दिख रहा है, पिंक पर्पल दिख रहा है या ऐसे पिंक दिख रहा है, खैर कोई नहीं, वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं। सो अभी हम लोग जब इस साइड से आ रहे थे तो ये एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ये सामने दिख रही है, अभी ये यहाँ पे है, तो कोई नहीं, तो ये एक्चुअली मैसूर सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, व्हाटएवर, तो ये गवर्नमेंट प्लेस है। तो मुझे एक, हम दोनों को एक्चुअली एक रथ पे चढ़ना है जो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग के साथ है, सो वी विल फाइंड दैट एंड वी विल हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ, yeah, the horse ride is coming. मुझे ये घोड़े का रथ की सवारी करनी है हम दोनों को, फिर मस्त है मैचिंग। तो हमारा ये पहला दशहरा है जो हम लोग घर के दशहरा को मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है घर से बाहर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो अभी तक की जो फीलिंग है हमारा यहाँ पे आने का वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमारी कोशिश होगी कि अगर हम लोग घर पे ना रहे तो अगर कर्नाटका में हैं तो वी मस्ट विजिट हियर, सो हमेशा हमेशा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, लाइटिंग हर तरफ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। Yes. See the lighting. Hey baby. Baby doll. तो पूरा मेला का नज़ारा मिल रहा है हम लोगों को, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफी ज्यादा भीड़ है। काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। कृष्ण जी हैं ऊपर, कमांडो लिखना भूल गया है जिसके कारण अब मतलब चेंज हो चुका है। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मैं बार बार किसी न किसी से टकरा ही रहा हूँ।
Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. We just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good. Even if it was, we just mess it up. How can you know what's in it? आपको पता है इसमें कितने सारे बॉल रहते हैं? 90,000 बॉल्स बल्ब्स इसमें रहते हैं, ये पूरा 90,000 राजमहल का हमारा टूर हो चुका है, काफ़ी अच्छा रहा और वी एंजॉयड अ लॉट. सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टू आवर दैट बाइक स्टैंड जहाँ पे हम लोग ने अपना बाइक खड़ा किया था. सो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मतलब मोस्टली जो पीपल थे, वो जो लोग आए थे घूमने के लिए, वो यहीं पे थे, मतलब राज पैलेस पे ही है. लेकिन हाँ, सारे जगह भीड़ है. तो लव्ड इट.
सो हमारा डिनर टाइम हो गया है और हम लोग डिनर करने आ चुके हैं। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to... तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए जगह के साथ, नए एडवेंचर के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. All I wanted was a touch.